ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। पूरे मामले का जिक्र कर रहे हैं, आखिर ये अर्बन नक्सलवाद का जिक्र क्यों हो रहा है, भीमा कोरेगांव से इसके क्या कनेक्शन हैं और किस तरह से इस जांच को लेकर, इन गिरफ्तारियों को लेकर पूरे देश में विवाद छिड़ा हुआ है, अलग अलग पक्ष क्या हैं। पुलिस ने इस पूरे मामले की जाँच का दायरा बढ़ाया है। इससे पहले 6 जून को गिरफ्तारी हुई थी, छापे पड़े थे दलित कार्यकर्ता और मराठी मैगजीन विरोधी के संपादक सुधीर धावले, वकील सुरेंद्र गाडलिंग, नागपुर विश्वविद्यालय के अंग्रेजी के प्रोफेसर सोमा सेना, पूर्व पीएमआरडी फेलो महेश राउत और दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जी एन साई बाबा के सहयोगी रोना विल्सन को गिरफ्तार किया गया था। ये तमाम लोग अभी येरवदा जेल में न्यायिक हिरासत में हैं। रोना विल्सन के पास से वो चिट्ठी मिली थी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश का जिक्र था। उसमें जिक्र था कि ये लोग राजीव गांधी की तरह मोदी की हत्या करना चाहते हैं। राजीव गांधी की हत्या 21 मई 1991 को एलटीटीई के मानव बम ने की थी और जो चिट्ठी मिली है उस चिट्ठी में रोड शो में मोदी को टारगेट करने की प्लानिंग है। इसमें यह भी जिक्र है कि 8 करोड़ रुपए की मदद की जरूरत है, इससे M4 राइफल और 4 लाख गोलियों की खरीद होगी, गोलियों का इंतजाम होगा, उस चिट्ठी में जिक्र है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि आने वाले दिनों में और भी छापे मारे जा सकते हैं, इस जांच का दायरा और आगे बढ़ाया जा सकता है। ये भी छानबीन की जाएगी कि इन लोगों को कहां से फंडिंग हो रही थी और ये लोग आगे कहां फंडिंग कर रहे थे। आपको बता दें कि भीमा कोरेगांव में एक जनवरी को हिंसा हुई थी और उस मामले को लेकर 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई जिसमें चौंकाने वाला खुलासा हुआ। पुणे पुलिस को एक आरोपी के घर से रोमा विल्सन, जिनका हमने अब नाम बताया, उनसे राजीव गांधी की हत्या जैसी प्लानिंग का जिक्र वाला एक पत्र मिला था। इस बार टारगेट थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में वामपंथी जो विचारक थे उनकी गिरफ्तारी पर, अब जो गिरफ्तारी हुई है इस पर सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि रोक लगा दी है, कड़ी फटकार भी लगाई गई है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि विरोध लोकतंत्र का सेफ्टी वॉल्व है, यदि प्रेशर कुकर में सेफ्टी वॉल्व ना हो तो वो फट जाता है। लेकिन भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में हुई गिरफ्तारी के खिलाफ इतिहासकार रोमिला थापर, देवकी जैन, अर्थशास्त्री प्रभात पटनायक, सतीश देशपांडे और मजा दारूवाला ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई थी और उसी पर सुनवाई की चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस ए एम खानविलकर की बेंच ने। उनके समक्ष याचिका में वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी, दुष्यंत दवे, राजू रामचंद्र, प्रशांत भूषण और वीरेंद्र ग्रोवर खड़े हुए थे उनके पक्ष में और सरकार की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता वहां पर मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की बेंच के सामने याचिकाकर्ताओं की तरफ से पक्ष रखते हुए अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि पुलिस की एफआईआर में गिरफ्तार लोगों का कोई जिक्र ही नहीं है और ना ही आरोपियों के ऊपर किसी तरह की मीटिंग करने का आरोप है। सिंघवी ने कहा कि गिरफ्तार लोगों में से एक सुधा भारद्वाज ने अपनी अमेरिकी नागरिकता छोड़ते हुए भारत में वकालत करने को अपने पेशे के तौर पर चुना। वो दिल्ली की नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में पढ़ाती भी हैं, लेकिन बड़ा मामला सरकार से असहमति का है। वहीं सिंघवी का विरोध करते हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जिन लोगों का ये केस है उनका इनसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जो याचिका करता है वो सीधे तौर पर इससे कोई इत्तफाक नहीं रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष इसलिए ये केस नहीं आना चाहिए, जिस पर सिंघवी ने कहा कि ये मामला संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा सुनिश्चित जीने के अधिकार और आज़ादी के अधिकार से जुड़ा हुआ है, लिहाजा इन गिरफ्तारियों पर रोक लगाई जाए। वहीं वकील दुष्यंत दवे ने कहा कि ये गिरफ्तारियां बिना सोचे समझे की गई हैं, जिनका इस मामले में कोई लेना देना नहीं है उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है। एक पक्ष CPI का भी है जो कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं और एक जो संस्था पहले अब बैन कर दी गई है, पहले वो इसका भिन्न अंग हुआ करती थी लेकिन फिर दोनों के रास्ते अलग हुए, एक मुख्य धारा में है, एक बैन चल रही है। CPIM महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा है कि केंद्र सरकार नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर गलत कर रही है, ये ठीक वैसा ही है जैसा इमरजेंसी के वक्त इंदिरा गांधी ने किया था।
Now, on the question of national security, there can never be any compromise. That is something non-negotiable. This is a position I've said in the parliament, I've publicly stated. But the question is, using that as the pretext, don't curtail or attack democracy and civil liberties. This is exactly the argument that Mrs. Indira Gandhi gave in 1975. Country's internal security is at stake, and therefore, internal emergency, and all leaders were arrested. And what was it? Were there a threat to national security? But that was used for a political objective. This is what this government is doing today. That is what we condemn. जी हाँ, राजनीतिक गलियारों में ये हो रहा है, अलग अलग पक्ष निकल कर सामने आ रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी पक्ष रखे गए। सभी पक्षों को सुनने के बाद जस्टिस चंद्रचूड़ ने महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए कहा कि असहमति या ना इत्तफाकी हमारे लोकतंत्र का सेफ्टी वॉल्व है। यदि आप प्रेशर कुकर में सेफ्टी वॉल्व नहीं लगाएंगे तो वो फट जाएगा। लिहाजा अदालत आरोपियों को अंतरिम राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाती है, उन्हें हाउस अरेस्ट में रखा जाए। अब सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 6 सितंबर को होगी। इससे पहले आपको बता दें कि अलग अलग जगहों से गिरफ्तारी करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। मामला हाई कोर्ट में भी पहुंचा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी सुनवाई हुई। प्रशांत भूषण ने कोर्ट की कार्रवाई खत्म होने के बाद, राहत मिलने के बाद कोर्ट से बाहर आकर मीडिया को संबोधित किया और क्या कुछ उन्होंने कहा वो सुनिए। कई शहरों से 5 बहुत ही अहम मानव अधिकार के एक्टिविस्ट को कल पुणे पुलिस ने अरेस्ट किया। बहुत सारे और लोगों के ऊपर सर्चेस करी, जो कम से कम 20-25 साल से मानव अधिकार के काम करते रहे हैं, पिछड़े दबे लोगों के केसेस करते रहे हैं, उसमें से कई वकील भी हैं, उस पर आज 5 बहुत अहम सिटीजन्स, रोमिला थापड़, प्रभात पटनायक, सतीश देशपांडे, देवकी जैन और माया दारूवाला की तरफ से एक जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर करी गई और उसकी आज सुनवाई 4:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में हुई, चीफ जस्टिस के खंडपीठ में। उसमें आज सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और भारत सरकार को नोटिस इशू किया है और साथ में ये आदेश दिया है, इन 5 लोगों को जिनको पुलिस ने अरेस्ट किया है, उनको पुलिस कस्टडी में ना ले जाए और उनको अपने घर पर ही ज़्यादा से ज़्यादा उन्हीं के घर पर हाउस अरेस्ट में रखा जा सकता है। इस केस की अगली सुनवाई अगले थर्सडे यानी 1 हफ्ते में होगी। इस बीच में सरकारों को अपना जवाब देना है। हियरिंग के दौरान उनमें से कुछ जजों ने, जस्टिस चंद्रचूड़ ने खासकर ये बोला, ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे लोगों को स्टेट अरेस्ट कर रही है, जिसका सीधा सीधा मतलब है कि आप डिसेंट को, आप अपने जो लोग अपने अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, दूसरे लोगों के अधिकार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको आप साइलेंस करना चाहते हैं, उनका मुंह बंद करना चाहते हैं, ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक चीज है। जी हाँ, ये सब कोर्ट में हुआ, लेकिन कोरेगांव में क्या कुछ हुआ था वो आपको बताएंगे, उसके पीछे का इतिहास क्या कुछ रहा है वो भी आपको बताएंगे। आपको ये भी सुनवाएंगे कि राहुल गांधी का इस पूरे घटनाक्रम पर क्या कुछ कहना है और ये भी सुनवाएंगे कि बीजेपी का इस पूरे मामले पर पक्ष क्या है। लेकिन एक वक्त छोटे से ब्रेक का है, बहुत जल्द लौटेंगे।